fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry. मैं हूं तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूं, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, इसके वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप तो शायद थंबनेल देखे समझ चुके होंगे आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। तो मैंने आज स्पेशली एक ट्रेडिशनल बंगाली मेकअप लुक क्रिएट की है, वो भी अंडर 10 रुपीज में। तो ये वीडियो स्पेशली फॉर टीनेजर्स, बट नॉट ओनली टीनेजर्स, इसे सभी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टीनेजर्स के पास बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट नहीं होते हैं। अगर होते भी है तो कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं ना, इसलिए मैंने ये मेकअप क्रिएट की है, वो भी अंडर 10 रुपीज में। तो इसे सभी स्किन टाइप के, मतलब स्किन टोन आपका जैसा भी हो वो आप इसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये स्काई कलर की साड़ी एंड ज्वेलरी के ऊपर ये वीडियो की है। ये कलर सभी पे सूट करता है, इंडियन स्किन टोन हो, आप गोरे हो, सभी स्किन टाइप में स्किन टोन पे ये कलर सूट करता है, इसलिए मैंने ये स्काई कलर की साड़ी और ज्वेलरी के ऊपर ये वीडियो की है। तो ये जो वीडियो है इसमें तो मैंने पहले ही बोल दिया, सभी जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज किया है वो भी अंडर 10 रुपीज में, जितने भी मैंने प्रोडक्ट इसमें यूज किया है वो 10 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। मैंने तो इधर लोकल मार्केट पे ये परचेज किया है, आपको भी अगर आप जाकर बोलेंगे तो अंडर 10 रुपीज में मेकअप दिखाने के लिए वो लोग दे देंगे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जितने भी मेकअप मतलब प्रोडक्ट यूज किए हैं उसका नेम बोल दूंगी, ठीक है। तो आज जो मैंने मेकअप क्रिएट किए, इससे आप कोई भी ओकेशन पे कोई भी फेस्टिवल फॉलो कर सकते हो। सनी है, दुर्गा पूजा, फिर आ रही है टीचर्स डे, अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो, ये मेकअप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज आई पे जो मैंने मेकअप किए इसे छोड़ के आप पूरा मेकअप फॉलो कर सकते हो। और हमारा दुर्गा पूजा के सप्तमी लुक के लिए भी ये सही है। तो और बिना बकबक करे मैं जा रही हूँ वीडियो की ओर। और वीडियो में जाने से पहले मैं बोल दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो की ओर। मैं सबसे पहले एक फेस वॉश की हेल्प से अपने पूरे फेस को क्लीन कर लिया। अब मैं मॉइस्चराइजर के लिए ले रही हूँ जॉय स्किन फूड्स का ये मॉइस्चराइजर। ये मुझे अंडर 10 रुपीज में मार्केट में मिल गए थे। आप मॉइस्चराइजर के पहले कोई भी टोनर यूज कर सकते हो, रोज वाटर को आप एज ए टोनर यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इधर रोज वाटर नहीं यूज किए, ये पार्ट मैंने स्किप कर गई हूँ क्योंकि मेरा उसमें एलर्जी है, इसलिए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फिर मैं जा रही हूँ फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन के लिए मैंने इधर ले लिया फेयर एंड लवली का ये क्रीम, क्योंकि अंडर 10 में मुझे मार्केट पे कोई भी फाउंडेशन नहीं मिला, तो मैं ये फेयर लवली का क्रीम एज ए फाउंडेशन अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसे अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लेने के बाद मैं अपने हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैं जा रही हूँ आई मेकअप के लिए। मुझे इधर आई मेकअप के लिए कोई भी कंसीलर नहीं मिला था, इसलिए मैं वो फेयर एंड लवली और मैजिक ड्यू टॉप का, ये भी अंडर 10 रुपीज में ही है, ये पाउडर एक साथ मिक्स करके एज ए कंसीलर मैं अपनी पूरी आई एरिया पे ये अप्लाई करने वाली हूँ। इसे अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद हाथों की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेना है। मैंने इधर ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद वही सेम पाउडर लेके अपने पूरे फेस पे नेक पे सिर्फ थोड़ी सी ही लगाना है, अच्छे से ब्लेंड कर लेना। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद वो एक आईब्रो पेंसिल की हेल्प से मैं अपनी पूरे आईब्रो को ड्रॉ कर ले रही हूँ। ये पेंसिल भी मुझे अंडर 10 रुपीज में ही मिला था, शायद 5 रुपये लिए थे इसका। इसका कोई लेबल नहीं है इसलिए मैं इसका नाम नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आपको कोई भी लोकल मार्केट पे अंडर 10 में ये इजीली मिल जाएंगे। फिर मैं एक स्पूली की हेल्प से या मेरे आईब्रो को सेट कर लिए। अब मैं जा रही हूँ आई मेकअप के लिए। मैंने इधर आई मेकअप के लिए एक पिंक कलर का लिपस्टिक ले लिया है, इसे मैं अपनी आई लिड पे एंड ब्रो बोन पे एंड क्रीज एरिया पे भी ये अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। मैं एक उंगली की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद क्रीज लाइन के लिए
मैंने इधर ले लिया ये रेड कलर का ये लिप लाइनर। अब मैं इसे अपने क्रीज लाइन के बराबर इसे ड्रॉ करूंगी ताकि मैं जब अपनी आई मेकअप करूँ वो बाहर न जाए। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जिन लोगों को आई मेकअप करना नहीं आती है थोड़ी सी भी, वो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। इसे ड्रॉ कर लेने के बाद मैं ले रही हूँ एक रेड लिपस्टिक, क्योंकि मुझे आई शेडो तो 10 रुपीज में मिलेगा नहीं, तो मैं ये रेड लिपस्टिक की हेल्प से ही, ये भी मुझे अंडर 10 रुपीज में ही शायद मिला था, ये मेरे पास थे इसलिए मैंने खरीदे नहीं थे, बहुत पुराने थे थोड़े से ही बाकी थे इसलिए मैंने नया नहीं खरीदे। अब ये रेड लिपस्टिक लेके अपने पूरे आई लिड पे इसे क्यूपिड की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैंने इधर ब्लू हेवन का एक काजल ले लिया, ये भी अंडर 10 रुपीज में ही है। अब मैं इसे अपने अपर लिड पे एज ए आई लाइनर यूज करूंगी, क्योंकि मुझे अंडर 10 रुपीज में कोई भी आई लाइनर नहीं मिला और इसका कंपनी भी अच्छी है, ट्रस्टेबल है। अब मैं इसे अपने आउटर लिड पे भी थोड़ी सी लगा लूंगी, फिर एक ईयरबड्स की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ईयरबड्स की हेल्प से काजल को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैं वो रेड लिपस्टिक लेके अपने लोअर लिप पे उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि आई थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद वो ही सेम काजल मैं अपने लोअर लिड एंड अपर लिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। एज ए आई लाइनर एंड मस्कारा मैंने वही सेम काजल यूज की है। मैंने एक स्पूली में थोड़ी सी कोकोनट ऑयल लगा लिए थे, फिर वही सेम काजल मैं एज ए मस्कारा भी यूज किया है। फिर मैंने वही सेम पाउडर यूज किए मेरे इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन हाईलाइट के लिए। अब अपने हिसाब से इसे अप्लाई करना, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही, ज्यादा मत यूज करना। अब मेरा फुल्ली आई मेकअप हो चुकी है, आप देख सकते हो लिपस्टिक के हेल्प से भी इतना सुंदर आई मेकअप होगा मैंने सोचा नहीं था। अब मैं दूसरे आग भी ऐसे ही ट्रांजिशन कर लूंगी। अब मैं जरूर अपने फेस मेकअप दिए, मैंने इधर कंटूरिंग के लिए ले लिया है स्मैश बॉक्स का एक लिप लाइनर, इसका 10 रुपया से ज़्यादा लिया है, 2 रुपया ज़्यादा लिया है। फिर मैंने बोला है कि प्लीज़ मुझे 10 रुपये के अंदर ही मेकअप दिखाना है, आप मुझे 10 रुपये में ये दे दीजिए। तो पहले 10 रुपये थे इसका, अब तो इसका 2 रुपया ज़्यादा हो गया है, तो आप इसे एडजस्ट कर लेना, वरना कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हो सेम कलर के, आपको 10 रुपीज में अंदर मिल जाएंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इसका कलर बहुत ही सुंदर था इसलिए मैंने ये ले लिया। लिपस्टिक भी थी उधर पर मैंने नहीं लिया, यही लिया, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आ गई थी इसलिए। अब पाउडर की हेल्प से मैं उसे सेट कर लूंगी। फिर उसे सेट कर लेने के बाद थोड़ी सी पाउडर लेके आप अपने पूरे फेस पे नेक पे से अच्छे से अप्लाई कर लेना ताकि जितने भी प्रोडक्ट आपने यूज किए वो अच्छे से सेट हो जाए। I fall into a trap that I made by myself, oh, and I always
going steady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so. फिर वो ही सेम पिंक ग्लिटर लिपस्टिक लेके एज ए हाइलाइटर मैं अपनी नोज पे सिक्स पे वो जितने भी हाई पॉइंट है उसमें अप्लाई. उसे अच्छे से उंगलियों की हेल्प से ब्लेंड कर लेने के बाद मैंने इधर एक रेड लिप बाम लेके उसके ऊपर ही और भी ज्यादा अट्रैक्ट दिखने के लिए मैंने वो भी ऐसे एज ए हाइलाइटर एंड ब्लश उसे यूज कर लिया ताकि चिक्स थोड़ा ब्लशी टाइप का दिखे. फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना. अब मैं वो सेम रेड लिप लाइनर लेके अपने लिप को ड्रॉ कर ले रही हूँ. लाइनर यूज करने के बाद मैंने उसके ऊपर ही पिंक लिपस्टिक जो मैंने पहले यूज की थी वो अपने लिप पे अप्लाई कर लिया. फिर उसके ऊपर ही जो मैंने पहले आई मेकअप के लिए रेड लिपस्टिक यूज किए थे वही रेड लिपस्टिक उसके ऊपर यूज की है ताकि लिप थोड़ा अट्रैक्ट दिखे. सबसे इन में मैंने लगा लिप. अब मेरा फाइनल लुक रेडी हो चुकी है. अब देख सकते हो आई मेकअप फुल मेकअप कितना सुंदर हो गया. अब मैं जा रही हूँ अपने ट्रांजिशन के लिए तो बने रहे वीडियो तक. एंड दिस इज माय फाइनल लुक. अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें. और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. बाय बाय.